हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यू व्लॉग टुडे। तो आज आ गए हैं वापस एम्सरविन की गलियों में और अभी ऑटम की शुरुआत हो चुकी है। आप पीछे देख रहे होंगे तो आराम से जो ये पेड़ है इनका कलर चेंज होना स्टार्ट हो गया है, पत्ते आपको वापस दिखाई दे रहे हैं। तो क्यों ना सोचो ऑटम के महीने में आपको एक नई चीज़ दिखाते हैं, वो है यहाँ पे एक शॉप है जिसपे आपको फ्रोजन डिजर्ट। तो सोचा क्यों ना आपको भी एक नई चीज़ दिखाते हैं एम्सरविन में या फिर जो नेदरलैंड्स में मिलता है। और ये देखिए पत्ते यहाँ से वापस गोल्डन होना चालू हो गया। घूमते घूमते इतना टाइम से नहीं हुआ लेकिन बाहर आए तो इंडिया में जाने की भूख तो लगी गई है। तो यहाँ पे पास में एक शॉप है तो वहाँ पे खाते हैं। आज संडे है तो यहाँ पे स्पेशल मिलता है पूड़ी भाजी और हलवा, यानी जिसको अपने नॉर्थ में या दिल्ली में पूड़ी हलवा भी बोलते हैं। तो चलिए आज पूड़ी हलवा ट्राई करते हैं लंच में। तो ये देखिए आ गई है पूड़ी भाजी जिसको पूड़ी हलवा भी बोलते हैं। पूड़ी कम भटूरे हैं, मतलब है तो आटे की लेकिन साइज़ काफ़ी बड़ा है। साथ में है आलू की सब्ज़ी, आलू की सब्ज़ी ये है और हलवा है, मीठा है, प्याज है, अचार है और साथ में अपनी देसी चाय है। तो आज का लंच तो ज़बरदस्त होने वाला है तो फटाफट से एक बार खा के दिखा देता हूँ कैसा है या बता देता हूँ कैसा है। एकदम डिसेंट टेस्ट है, बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं है, अंडर स्पाइसी भी नहीं है कि आपको कम लगे, एकदम अप्रोप्रिएट है खाने के लिए और साथ में अपनी चाय, परफेक्ट। तो आज का लंच का कार्यक्रम तो हो गया और पहुंच गए एम्सरविन सेंटर में। तो चलिए अंदर चलते हैं। देखिए सबसे पहला प्रोसेस है कप लेना है, कप के बाद उसके बाद ये जो फ्लेवर का आइसक्रीम है बेसिक वाली वो लेनी है, उसके बाद आप टॉपिंग सेट कर सकते हो। तो पहले स्टेप वन भी जाते हैं फ्लेवर्स में, ये है फ्रेंच वनीला, कुकीज क्रीम, स्ट्रॉबेरी और डार्क मैचुरल। तो स्ट्रॉबेरी या फिर फ्रेंच वनीला लेना है, ठीक है। ये देखते हैं क्या है भाई इसके अंदर। ओह अच्छा, ये जितना लेना है उतना लो, ठीक है। तो अभी ये इस टाइप से ये ले लिया है, उसके बाद अब क्या कर सकते हो आप, ये जो जितने भी फ्लेवर्स हैं ये आप ऐड कर सकते हो उसमें, चाहे ये कुकीज़ के जैसा क्रम्बल करके, तो यानी थोड़ा थोड़ा करके डालते हैं। ये ले लिया और ये शुगर ही है उसके बाद ये आई थिंक ओरियो टाइप से बिस्किट है, ओरियो टाइप से बिस्किट ले लिए और बहुत सारी ऑप्शन है, बहुत सारी ऑप्शन में से आप ये भी देख सकते हो ये मार्शमेलो है, काइंड ऑफ मार्शमेलो है, ये भी ले लिया थोड़ा और फुल स्ट्रूप वेफल है, जेली है, चोको चिप्स है, चोको चिप्स लेते हैं थोड़ा सा, चोको चिप्स ले लिया और बाकी सारी चीज़ें फ्रूट भी ले सकते हो। अरे वाह ये है ना मस्त ऑप्शन है, यहाँ से फ्रूट लेते हैं क्योंकि एप्रिकॉट या उसके जैसा है। तो थोड़ा सा फ्रूट लिया, ये भी सम काइंड ऑफ फ्रूट है, पता नहीं क्या है, फ्रूट ले लिया। स्ट्रॉबेरी ले सकते हो, स्ट्रॉबेरी ले लिया और उसके साथ आप कैडबरी जैम्स है तो जैम्स ले सकते हो। जैम्स के बाद ये क्या है, चॉकलेट, चॉकलेट, इज दिस चॉकलेट और समथिंग, न्यूट्रेला, पिस्ताचियो, कैरामेल, समथिंग लाइक दैट, मे बी आई विल टेक अबिटोस मंगोलियन। ये लिया और साथ में थोड़ा सा स्ट्रॉबेरी लेते हैं, स्ट्रॉबेरी लिया और उसके बाद आपको भी ऊपर से जो कुछ डालना है वो भी डाल सकते हो, थोड़ा सा ये डाल के देखते हैं। चलो तो यानी भाई साहब अपना कप तैयार हो गया है। अब इस कप को तैयार होने के बाद अब आप इसका वेट कराओ और वेट के हिसाब से जो प्राइस होगा वो लगेगा। चलिए बस थर्ड स्टेप है, वेट कराओ, पैसे दो, लेते हैं पैसे लिए, इवन आप एक्स्ट्रा भी ले सकते हो आपकी बाकी सारी चीज़ें दिए, बट चलिए इसका देखते हैं अब इसका क्या सीन है। Okay. Put it here on the weighing machine and this is the rate per kg, 24 euro per kg, 0.385 grams and that's how much? 924. I'll pick in. ये तो नहीं है, अब इसमें क्या है ऑलमोस्ट 9 समथिंग यूरोज की आई है, बट चलिए टेस्ट करते हैं, किसी खाली जगह जाके बैठते हैं, सब बताते हैं टेस्ट कैसा है। तो एक कंफर्टेबल जगह देख के बैठ गए, एम्सरविन सेंटर में ही है, तो चलिए देखते हैं। इतने सारे फ्लेवर मिला दिए ना इसमें खा के,
हार्ड हो गई है, टेस्ट क्या आएगा वो देखते हैं। काफ़ी चीज़ों का टेस्ट आने वाला है। टेस्ट अच्छा है, जेम्स का है, जेम्स का टेस्ट है, थोड़ा सा फ्रूट का टेस्ट है, आइसक्रीम का टेस्ट है, लेकिन भाई बहुत शुगर है इसमें। जैसे जितने भी आइटम्स हैं कन्फेक्शनरी और वाले वो उसमें सारे शुगर है। जो फ्रोजन है जो आइसक्रीम टाइप से थी, यानी जो वाइट वाली आइसक्रीम है, ये वाली ये अच्छी है। जब प्लेन है यानी आप अपने हिसाब से कुछ भी ले सकते हो, उसमें फ्रूट डाल सकते हो, जेम्स डाल सकते हो, उसके हिसाब से अच्छी है। तो फर्स्ट टाइम मैंने सोचा क्यों ना चलो तो फ्रोजन आइसक्रीम ट्राई करते हैं। बॉक्स पे भी देखोगे तो फ्रोजन आइसक्रीम लिखा हुआ है, तो एक नई चीज़ थी, सोचा क्यों ना आज ट्राई करें और आप सबको भी दिखाएं। तो यही था छोटा सा ब्लॉग। ब्लॉग पसंद है तो जरूर लाइक करें, एंड इफ यू आर न्यू टू द चैनल देन डू सब्सक्राइब। एंड मिलते हैं जल्दी किसी नए वीडियो में। टिल देन सी यू ऑल सून, टेक केयर, बाय बाय।